स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सोनू एस्ट्रोलॉजी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक मैंने हाई स्कूल की काफी वीडियो डाल रखी हुई थी, जिसमें से अभी कई बच्चों ने बताया कि सर फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन बायो का क्या है? बायो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। तो आज मैं आप लोगों को आपके लेसन फर्स्ट का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में ही अगर आपको बता दूं, लेकिन लाइफ प्रोसेस को एडमिशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो लेसन्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए, लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो लाइफ प्रोसेस हमारी जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? तो हमारी जीवन की प्रक्रियाएं, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारी जीवन की प्रक्रियाएं हैं क्या, हमारी लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना। जैसे आप लोगों से कई लोग पूछते हैं कि भाई आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, आपकी लाइफ प्रोसेस क्या है? दिन भर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, टीवी देखते हैं, लॉकडाउन में आप क्या करते हैं, है ना। तो ये आपकी लाइफ प्रोसेस है जो इस समय चल रही है, मीन्स हमारे जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हमारी चल रही है, खाना पीना, सोना, लेटना, या कहीं जाना या कुछ करना, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी किसी के अंतर्गत आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइफ प्रोसेस है क्या? तो जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं लाइफ प्रोसेस कहलाती। बात समझ में आ गई, लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन की प्रक्रियाएं क्या है? तो हमारे जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं, जो क्रियाएं हम करते हैं, सांस लेना, खाना, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकालना, एक्सक्रीशन करना, रिस्पायरेशन करना, है ना, हर्ट करना, बीट करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना, या हमारी न्यू सेल्स का बनना, है ना, और जो ओल्ड सेल्स है उनका डिस्ट्रॉय होना, और ओल्ड सेल्स की जगह न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होना, है ना, न्यू बेबी का जन्म होना, बर्थ लेना, ना, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, लाइफ प्रोसेस, तो जीवन में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। हम इसमें देख लेते हैं जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, ध्यान रखिएगा, सम्मिलित रूप से का मतलब है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो पढ़ाने में आप देखे, मैं बोल रहा हूँ, मेरे आंखें देख रही हैं, मेरा माइंड सोच रहा है कि इसके बाद मुझे क्या बोलना है, समझ रहे ना, है ना, कि मैं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरे हाथ एक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, और इन सारी प्रक्रियाओं को हमारा कंट्रोल कर रहा है हमारा CNS। ध्यान रखिएगा, CNS हमारे दो सेंट्रल कॉर्ड होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस हमारे जो नर्वस सिस्टम होती है, जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम पाई जाती है, उनको कंट्रोल करने का हमारा जो कर्तव्य पूरा होता है, वो दो रूम के द्वारा होता है, एक होता है CNS के द्वारा, एक होता है PNS के द्वारा। CNS जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रेन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस जो हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड PNS, व्हाट इज PNS? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कहां पाई जाती है? फ्रॉम द बैक साइड, स्पाइनल कॉर्ड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा। और PNS का वर्क क्या होता है? व्हेन वी डू समथिंग एंड सडनली इट इज हैपन, वो अचानक ही अगर कुछ हो जाता है,
जैसे आप लोग साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अचानक ही आपने ब्रेक लगाया, कोई सामने आ गया, अचानक ही आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी बड़ी स्टंट करती हुई चली गई और सामने वाला कहता वाओ व्हाट अ स्टंट, इधर से पूछो भाई क्या स्टंट था, है ना। हमें तो समझ में नहीं आ रहे थे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, भाई कैसे हुआ हमें खुद नहीं पता, क्यों, क्योंकि अचानक हम लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते सामने से कोई ट्रक आ रहा है और अचानक ही हम पीछे हट जाते हैं, हाथ रख के देखे 90 की स्पीड में बीट कर रहा होगा और कहते हैं बच गए। Why? Because peripheral nervous system is presented in your body. Okay, तो अभी हम बात करते हैं CNS की, जो सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से का मतलब है कि एक साथ अलग अलग, पता चले कि हम चल रहे हैं और हमारे पैर कहने कि नहीं अब हमें नहीं चलना तो हम उनके बल गिर जाएंगे, हम बोल रहे हैं बोलते बोलते हमारा मुंह कह दे कि लो हमको बोलने ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं, हमारी पूरी बॉडी एक साथ कार्य करती है, ठीक है, सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं या रख रखाव का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ओके, वे सभी क्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने जैसी संतानें उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती हैं, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बात वही है ना कि हमारे जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं, हमारे जीवन में होने वाली समस्त क्रियाएं लाइफ प्रोसेस कहलाती है, दैट इज द शॉर्ट वर्जन। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं अगर इसको हमें स्टडी करना है तो हम कौन सी साइड को लें, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लाइफ प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आगे क्या आता है कि जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा, जीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, जो हमने फूड लिया हुआ है, या हमारे अंदर जो हार्मोन्स एंजाइम जितने भी हैं सारे के सारे हमारे क्या हैं, केमिकल्स हैं, हमारे अंदर क्या चलता है, केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, ये केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती हैं, विच आर दोस, फर्स्ट नंबर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा कैटाबॉलिक, और दूसरा होता है एनाबॉलिक, के दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, किस मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जैसे आप एक मिट्टी का डेला ले लीजिए बड़ा सा और उसको जमीन में फेंक दीजिए, है ना, तो वो बड़ा सा डेला छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, इसी तरह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो किसमें टूट जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, वे रिएक्शंस जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका डाइजेशन ले लीजिए, तो डाइजेशन में आपने फूड को लिया, फूड में आप प्रोटीन भी ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, विटामिन भी ले रहे हो, है ना, लेकिन ये सब आपके कहां, भोजन के अंदर है, फूड के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, है ना, तो ये हमारे भोजन जब हम लेते हैं, फूड को लेते हैं, तो वो हमारे अंदर जाने के बाद क्या होता है कि उसको सबको अलग किया जाता है, प्रोटीन्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स जितने भी हैं सबको अलग किया जाता है, अलग करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको अलग किया जाता है और डाइजेस्टेड मटेरियल को अलग किया जाता है। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि रिस्पायरेशन के दौरान हमारे क्या होते हैं, सिंपल मटेरियल्स को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद हमारा क्या बनाया जाता है, सिंपल मटेरियल बनाया जाता है, रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, सिंपल मटेरियल्स का निर्माण किया जाता है। एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है,
जस्ट इसका अपोजिट अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे सिंपल मटेरियल्स को। सिंपल मटेरियल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ले ले तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो जल का हम यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम ग्लूकोज बना देंगे C6H12O6। यहाँ पर हम ग्लूकोज बना लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल मटेरियल से हमारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, वे रिएक्शंस जो सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल का निर्माण करती है उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड, आप चाहे तो इस प्रोसेस को लिख सकते हैं, है ना। और एक चीज और आपको बता दूं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये आपके शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है हाई स्कूल एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। हाँ एक चीज और आपको बता दें कि ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, डजंट मैटर कि वो यूपी है और सीबीएसई कुछ भी है, ये दोनों ध्यान रखिएगा दोनों में ये शॉर्ट आंसर्स के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि कैटाबॉलिक का मतलब है टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल मटेरियल। ध्यान रखिएगा कैटाबॉलिक में कि ब्रेक डाउन टू कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल मटेरियल, एंड एनाबॉलिक में कि दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज ब्रेक डाउन द सॉरी In this reaction, simple materials are combined with each other and make the complex material. Means, जो आपका anabolic reaction है, anabolic reaction simple materials क्या करते हैं, आपस में मिलकर complex material का निर्माण कर लेते हैं। Okay? आज केवल इतना ही, introduction ही आज चलेगा, और इसके बाद जो process है वो काफी लंबी है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वो process वीडियो बहुत ज्यादा बन जाए या बहुत लंबी बन जाए, जिससे आप लोग क्या ना उसको स्टडी करने में बोरियत महसूस करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि बायो की क्लास में आप बोर नहीं होंगे, मजाक में मैं आप लोगों को पूरी बायो याद करवा दूंगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है बायो का, हाई स्कूल का जो पार्ट सेकेंड आएगा उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, है ना। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ बायो है कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो मैंने आज इनको बताया, और कल की वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।